हम इस वीडियो में जैंग और फू ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार में जानेंगे। जैंग जो है द रेफर्स टू फाइव ऑर्गन्स विच आर यिन, बेसिकली दे आर नॉट हॉलो ऑर्गन्स सो दे आर यिन ऑर्गन्स। दे प्रोड्यूस एंड स्टोर ची, ची तो आपको भी पता है एनर्जी, वो प्रोड्यूस भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। ये जो जैंग ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब चाइनीज लैंग्वेज कह लीजिए तो एक्स यू ई अगर हम वर्ड यूज़ करें तो दैट मीन्स ब्लड। जे आई एन वाई ई बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड। जे आई एन जी इज एसेंस एंड शेन इज स्पिरिट। सो प्रोड्यूस करना या स्टोर करना ची का, ये हमारा जैंग ऑर्गन्स का काम है, उसके बारे में अभी बात करें। अभी अगर हम उन ऑर्गन्स की बात करें तो हार्ट, हार्ट रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग शेन के लिए। शेन हमने समझा स्पिरिट, सो बेसिकली इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग शेन। इट गवर्न्स ब्लड एंड द मेरिडियंस। हार्ट क्या गवर्न करता है? ब्लड और मेरिडियंस को। और इट कंट्रोल्स जॉय, बेसिकली जो इमोशन कंट्रोल करता है हार्ट वो है जॉय का। दूसरा स्प्लीन, स्प्लीन इज द मोस्ट डायनेमिक ऑर्गन। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ सेंस ऑफ ची एंड ब्लड फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड वाटर। ट्रांसपोर्ट करता है ची और ब्लड को बेसिकली। फिर हम लंग्स की बात करते हैं। इट्स डिवाइस टू ऑपरेट पेक्टोरल, दैट इज चेस्ट। पेक्टोरल का वर्ड का मतलब है चेस्ट की ची। सो और लंग्स क्या करता है कि जो हमारी ची है चेस्ट में उसको ऑपरेट करता है। फिर किडनी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बोन मैरो और इसके अंदर ची भी होती है, मीन्स इट स्टोर्स ची। देन लिवर, दैट ची फ्लोज फ्रीली थ्रू द मेरिडियंस। इट सीज द लिवर का उसका फंक्शन क्या है? इट इंश्योर्स दैट ची कैन फ्लो फ्रीली थ्रू द मेरिडियंस। इट ऑल्सो स्टोर्स ब्लड एंड मेंटेन्स द टेंडन्स। लिवर का वर्क और भी क्या है? टू फ्लो ब्लड एंड मेंटेन्स द टेंडन। देन द स्प्लीन क्रिएट्स ब्लड, हार्ट सर्कुलेट्स एंड लिवर स्टोर्स। बट डू यू नो और हैव यू एवर थॉट वेयर डज द ब्लड गो वेन वी स्लीप? सो आई विल टेल यू द आंसर। इट स्टेज इन द लिवर, द लिवर स्टोर्स द ब्लड वेन वी आर स्लीपिंग। अब हम फू ऑर्गन्स को अच्छे से समझेंगे जो छः हैं, और इनको हम यांग ऑर्गन्स भी कहते हैं। बेसिकली इनमें हॉलोनेस है कि जो भी है इसके अंदर आता है फिर, लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इज टू ट्रांसमिट एंड डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स विदाउट स्टोरिंग देम एंड टू एक्सक्रीट वेस्ट। ये लोग क्या, ये ऑर्गन्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं इनके ऑर्गन्स में उसको ट्रांसमिट और डाइजेस्ट करते हैं विदाउट स्टोरिंग देम एंड एक्सक्रीट वेस्ट, जो उसका गंध है जो वेस्ट है उसको बाहर एक्सक्रीट करते हैं। ये सिक्स ऑर्गन्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं इस काम के लिए। तो हम शुरू करते हैं स्टमक से। स्टमक क्या करता है? इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्राइम बी ऑफ प्राइमरी इम्पॉर्टेंस इन TCM। TCM में बहुत इंपॉर्टेंस है स्टमक की। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड गट। बेसिकली हमारे दिमाग में अगर कोई इशू है तो सीधा स्टमक पे इफेक्ट करता है हमारा। तो इट इज़ हेयर दैट फूड एंड वाटर आर फर्स्ट डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ ची इज एक्सट्रैक्टेड। सबसे पहले जो खाना है वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है और ची उसकी एक्सट्रैक्ट की जाती है वहाँ से। आफ्टर फूड इज डाइजेस्टेड इट इज सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके जो जो ज़रूरत की न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं वहाँ से हम खाना खाते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाता है जो जो खाने में न्यूट्रिशन होता है, फिर आगे प्यूरिफाई होने के लिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। तो वहाँ जाके और प्यूरिफिकेशन होता है न्यूट्रिशन का, और इसका मेन फंक्शन है टू प्यूरिफाई द न्यूट्रिशन दैट वॉज पार्शली डाइजेस्टेड बाय द स्टमक। जो स्टमक ने कुछ डाइजेशन छोड़ दिया, जिस जो नहीं हो पाया वहाँ जाके, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाने जाएगा और उसका न्यूट्रिशन वहाँ से और एब्जॉर्ब किया जाएगा। एंड इट ट्रांसपोर्ट्स द क्लियर सब्सटेंस थ्रू द बॉडी वाइल एक्सपेलिंग द टर्बिड। तो ये जो क्लियर सब्सटेंस है बॉडी में वो SI से होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू रिसीव वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन
एंड टू एब्जॉर्ब एनी रिमेनिंग गुड फ्लूइड्स वाइल ट्रांसफॉर्मिंग द रिमेनिंग वेस्ट इनटू फीसेस. नाउ फाइनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर आया वेस्ट मटेरियल, उसमें से वो और अगर कुछ न्यूट्रिशन बचा सकता है, रख सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है, और फिर जो बाकी गंद बचा उसको वो फीसेस में ट्रांसफर कर देता है, उसको भेज देता है आगे. नाउ एज द स्मॉल इंटेस्टाइन प्यूरिफाइज फ्लूइड, इट सेंड्स टर्बिड फ्लूइड टू द यूरिनरी ब्लैडर हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टोर एंड डिस्चार्ज यूरिन. यूरिनरी ब्लैडर का मेन काम क्या है? टू स्टोर एंड देन डिस्चार्ज यूरिन. उसके बाद है हमारा गॉल ब्लैडर. इट ट्रांसफॉर्म्स रिमेनिंग लिवर ची इनटू बाइल. गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड टू द लिवर एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द लिवर्स रिमेनिंग ची इनटू बाइल. बाइल कहाँ बनता है? बेसिकली गॉल ब्लैडर में. और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी लिवर की बच जाती है वो वहाँ जाके सेव होती है और एक बाइल की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. फिर हमारे पास है TW या सैंजियो भी बोलते हैं, ट्रिपल वॉर्मर भी बोलते हैं इसको. अब इसका क्या है काम? इट कैन बी थॉट ऑफ एज थ्री प्लेस होल्डर्स और कैविटीज, इस तरह से इसको हम सोच सकते हैं. और जियो भी बोलते हैं. देयर आर थ्री जियोस, अपर जियो, मिडिल जियो एंड लोअर जियो. इट होल्ड्स द हार्ट एंड लंग्स. अपर जियो जो होता है हार्ट और लंग्स को होल्ड करता है, और मिडिल जियो स्प्लीन और स्टमक को होल्ड करता है, और लोअर जियो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को होल्ड करता है.